देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में हुए चोरी की दो घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया। देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि एक अभियुक्त प्रिंस सैनी को पुलिस ने सभी चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि भारतीय वन्यजीव संस्थान जैसे महत्वपूर्ण संस्था में लगातार हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, रैम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी होने की घटना हो रही थी। इसको गंभीरता से लेते हुए मुखबिरों और सीसीटीवी के माध्यम से एक अभियुक्त प्रिंस सैनी को चोरी के सारे सामान के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त अपने पिता के स्थान पर अस्थायी रूप से संविदा पर चतुर्श्रेणी में कार्यरत था। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उस पर 15 लाख के लोन कर्ज हैं। कम वेतन के कारण अभियुक्त लोन चुका पाने में असमर्थ था, जिस वजह से उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसमें ऐसा है कि नवंबर 2022 और 5 जनवरी 2023 में दो घटनाएं चोरी की हुई थी। वहाँ पर बेसिकली वहाँ जो हार्ड जो सर्वर है, वहाँ से जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, वहाँ उसके हार्ड डिस्क और तमाम तरह के अन्य जो एक्सेसरीज की चोरी की घटना हुई है। नवंबर वाले मामले में भी तहकीकात हमने किया, उसमें कोई बहुत सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन तहकीकात जारी थी। उसमें जो परसों जो घटना घटी है, उसके बाद फिर एक जीरो से हम लोगों ने फिर काम करना शुरू किया और उसमें एक मुलजिम पकड़ा गया है, प्रिंस सैनी पुत्र स्वर्गीय श्री मोहन सिंह सैनी। ये द्वारकापुरी वहीं चंद्रबनी का रहने वाला है और ये विषय के लिए अपने पिता के नाम पर जो है वहाँ एक संविदा पर जो है काम कर रहा है। उससे हार्ड डिस्क, 4 हार्ड डिस्क मिले हैं, 2 रैम मिले हैं, रैम 10 मिले हैं, 3 ग्राफिक कार्ड मिले हैं और अन्य 4-5 अन्य जो भी इसको एक्सेसरीज हैं वो मिली हैं। और साथ ही साथ जो है इसका तमाम अन्य एक्सेसरीज भी मिली हैं। लेकिन सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है कि इन सारा जो ये जो कंप्यूटर के एक्सेसरीज हैं उनका कीमत लगभग 10 लाख आंकी गई है। दूसरा जो उसके हार्ड डिस्क में जो वहाँ जो रिसर्च काम चल रहा है उसका तो यद्यपि कीमत लाखों में है, लेकिन जो रिसेंटली जो काम चल रहा था उसका कम से कम 21 लाख रुपये की जो है उसके रिसर्च पेपर भी उसमें थे और जो अन्य जानकारी थी वो उसकी कीमत लाखों रुपये की है। तो ये हमारी टीम ने उसके गिरफ्तारी के लिए पूरे टीम को मैं 15,000 का इनाम में देना चाह रहा हूँ।